7 सितंबर को पाकिस्तान ने शारजा में खेले गए एक सनसनीखेज क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त पर अफगान अवाम का रद्द अमल शदीद और उलझा देने वाला था, लेकिन अफगान अवाम में पाकिस्तान के हवाले से इस कदर नफरत क्यों भरी है? आखिर वो दीगर टीमों से भी तो मैच हारे हैं। अमूमी तौर पर उसे उतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन इस रद्द अमल के बाद पहले सोशल मीडिया, फिर थिंक टैंक्स और तकरीबन हर जगह ये बहस शुरू हो चुकी है कि आखिर इन दो ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में क्या खराबी है। कुछ तज्जियाकार तो इन कशीदा ताल्लुकात की बुनियाद इस खित्ते की पेचीदा तारीख को बताते हैं, जैसे अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर मुगलों की हुकूमत, अफगान हमलावरों के शुमाली हिंदुस्तान पर हमले, सिखों की जानिब से उनके मुकाबले और फिर एंग्लो अफगान जंगों के नतीजे में जो तलखी पैदा हुई उसकी वजह से अफगानिस्तान ने ड्योरेंट लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद मानने से इनकार कर दिया। अक्सर तारीखों के हवाले से ये बात सामने आती है कि 1893 की ड्योरेंट लाइन जिस इत्तफाक राय से हल हुई थी वो एक समझौते के बाद हासिल हुआ था। ताहम मौजूदा अफगानिस्तान इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता। अफगान बयानिए के मुताबिक 1947 के बाद पाकिस्तान अब उनके लिए एक दुश्मन की हैसियत रखता है और अफगान जिन जमीनों को अपना समझते हैं उनके हसूल के लिए उन्हें उस दुश्मन से लड़ना है। वो उस हकीकत पर तवज्जो नहीं देते कि पाकिस्तान ने उनके साथ ड्योरेंट लाइन का मुआहदा नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान को तो ये अफगानिस्तान के साथ सरहद की हैसियत में गैर मुनकसम भारत से वर्से में मिली थी। यूं इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की थी। ताहम बाद में उसने अपने एतराजात वापस ले लिए थे। बाद के अरसे में कुछ अफगान हुक्मरानों की जानिब से पश्तूनिस्तान का मामला भी उठाया गया और वो उस हकीकत को भूल गए कि पाकिस्तान में मुकीम पश्तूनों की तादाद अफगानिस्तान में मुकीम पश्तूनों से ज्यादा है। ये दुश्मनी तारीखी तनाजर के अलावा माजी करीब से भी ताल्लुक रखती है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान अफगानिस्तान पर पहले सोवियत यूनियन और फिर अमरीकी हमले के नतीजे में लाखों अफगान बाशिंदे हलाक और बेघर हुए। अफगान जहाद को पाकिस्तानी सरजमीन पर पनपने देने, अमेरिका की जेरे क्यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और लाखों अफगानियों को पनाह देने से हमारे अपने मुआशरे में भी खासी तब्दीलियां आईं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने भी अफगानिस्तान को बैरूनी कब्जे से आज़ाद करवाने की भारी कीमत अदा की है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने अफगानों के लिए अपने दिल और दरवाजे खुले रखे। उन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार की, यहाँ तालीम हासिल की, पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज करवाया और हर हवाले से पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से फायदा उठाया। तो आखिर पाकिस्तान इन तलखियों को कम करने के लिए क्या कर सकता है? एक रास्ता तो ये है कि अफगानिस्तान एक आम, आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर देखा जाए और वैसे ही दो तरफा ताल्लुकात रखे जाएं जैसे हम अपने दीगर हमसायों और बाकी ममालिक के साथ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में अफगानिस्तान के गुज़िश्ता और मौजूदा हाकिमों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारे सियासी रहनुमाओं को अफगानियों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पुरअमन बकाए बाहमी मजबूत इक्तसादी ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी में तआवुन दोनों ममालिक के मफाद में है।